मैं फिर से हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज का वीडियो है मिक्सर ग्राइंडर के ऊपर। दोस्तों कई बार होता है क्या है, हमारा जो मिक्सर ग्राइंडर होता है इसका जो जार होता है ये बहुत जाम हो जाता है। तो ये जाम ना हो तो हम घर पर इसे कैसे रिपेयर करें वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मिक्सर अभी चालू है लेकिन पर ये जाम हो जाता है, तो हमको करना क्या है, सिंपल हमको इस तरह से पकड़ना है ब्लेड को और इस तरह से घुमाना है इस साइड में, जिस तरह से मिक्सर ग्राइंडर चलता है उसी तरीके इस तरह से घुमाकर इसे खोल लेना है। और इसमें हमको करना क्या है, हल्का सा ऑयल देना है। ऑयल देने से होता क्या है कि ये जाम नहीं होगा और घर पर आप आसानी से इसे रिपेयर कर पाओगे। इस तरह से ऑयल दे देना है क्योंकि ये बुश होता है, इसमें ग्रीस नहीं लगता है, इसमें ऑयल लगता है। तो इस तरह से आप घर पर इस तरह से ऑयल देते रहोगे तो ये जाम नहीं होगा और आपका जो जार है वो लंबे समय तक चलेगा। और इसको इस साइड में टाइट कर लेंगे। इस तरह से ये टाइट हो गया है, अब हम इसे चलाकर देखने वाले हैं। ऑयल से होता क्या है कि ये फ्री हो जाता है, ये चालू है वो। इस तरह से आप पता लगा सकते हो बिल्कुल फ्री है। तो इस तरह से आप घर पर ऑयल देते रहेंगे तो ये बार बार खराब नहीं होगा और जाम नहीं होगा। और मिक्सर ग्राइंडर को रेगुलर नहीं चलाना है, अगर हम इसे रेगुलर चलाते हैं तो इसमें प्लास्टिक है वो निकल जाता है क्योंकि सॉफ्ट है वो गर्म होता है घूमने से, तो हमको रेगुलर नहीं चलाना चाहिए। एक मिनट में दो बार तो रोकना ही चाहिए इसे, दो बार रोकते हैं तो ये कपलर है वो लंबे समय तक चलते हैं और कपलर जल्दी ख़राब नहीं होते। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।